फैसले की बात नहीं, वास्तविकता, सब कुछ ही है। थोड़े दिन में लोग जैसे शराब छुड़ाने के पैसे देते हैं, शुगर छुड़ाने के पैसे देते हैं डॉक्टर, कुछ दिन बाद मोबाइल छुड़ाने के पैसे देते हैं। चिट्ठी लिखा करो भगवान को रोज, चिट्ठी का मतलब पत्र लिखा करो। श्याम तुम्हें खत लिखता पर बताऊं जे मांगू मन मेरे, श्याम तुम्हें खत लिखता पर बताऊं मेरे, श्याम तुम्हें खत लिखता पर पता मुझे मालूम शाम तुम्हें खत लिखता पर पता मुझे मालूम नहीं, सुख भी लिखता और दुख भी लिखता पर पता मुझे मालूम नहीं, सुख भी लिखता दुख भी पर पता मुझे मालूम है, मेरे दाता तुम्हें खत लिखता पर पता मुझे मालूम है, मेरे दाता तुम्हें खत लिखता भगवान को। मीरा भाई है ना, मीरा रोज भगवान को खत लिखती थी रोज। एक बात बोलूं, अगर आप मैं रोज आपको खत लिखूं तो कभी तो आप वापस उत्तर दोगी, कभी तो दो रोज डायरी लिखा करो, और कुछ ना लिखो तो रोज डायरी में जैसी शाम लिख दिया करो, रोज जैसी शाम का आपका साइन को भगवान की दिव्य ग्रंथ बन जाता है। कुछ नहीं रोज अपनी बातें भगवान से लिखा करो। एक बात हो तो दुनिया को अपनी बातें मत बताना, दुनिया जो मलम नहीं है भैया, नमक है मलम नहीं, दुनिया रोकर पूछती है, हंसके दूसरे को बताती है, अपने दिल की बात किसी से शेयर मत करना, किसी से भी, किसी से तो किसी से भी श्याम से भगवान से परमात्मा से अपने मन की बात शेयर करो। मीराबाई है, मीराबाई रोज भगवान को खत लिखती थी, रोज चिट्ठी लिखती थी, और मीराबाई तो कई बार आंसुओं से भी चिट्ठी लिख दिया करती थी, आंसुओं से चिट्ठी लिखती थी। और अंत में मीरा कहां समाई बताओ, गुजरात के द्वारिका में। आज मीरा का वो चीर है, वो दुपट्टा बाहर है, तो गांधी का तो समाधि परमात्मा। और एक बात कहूं, कोई नाम से लिखा करो, चिट्ठी लिखा करो, सांवरिया थारा नाम अंजार रे कहीं लिखो कुंकू पत्र, ये श्याम तुम्हारे नाम हजारों है, पता नहीं कौन से नाम से भक्त रीत जाए और तुम रीत जाओ, भक्त भी रीतना चाहिए भगवान रीतते इसके साथ भक्त, कोई भी पता नहीं कौन सा नाम बाहर जाए, सोचो। और पता नहीं जिस दिन खाते से तुम्हारे नाम की चिट्ठी आ जाए, जैसे बाबा को हम ध्वजा चढ़ाते हैं ना, इसी तरह कभी बाबा आपको चिट्ठी लिख कर दे दे, जब आपको आएगा भरोसा रखना, जय श्री, भरोसा रखना जवाब आएगा पक्का है। और एक भक्त के पास भगवान की चिट्ठी आती है, वो कैसा नाचता है पता है, भक्त सबको ले जा कर दिखाता है कि आज मेरे गोविंद की चिट्ठी आ रही है, आज मेरे नारायण की चिट्ठी आ रही है, जय श्री।
भगवान कहते हो रहा तू ओडा मेरा भी नंबर लगा सी बुटाऊंगा तू देख लो। मेरे गुरु जी कहा करते थे कि तैरना हो तो समुद्र में आओ, किनारों में क्या रखा है? तैरना हो तो समुद्र में आओ, किनारों में क्या रखना है? डूबना हो डूब जाओ, दुनिया के नजारों में क्या रखा है? सच्चा तैराक होता समुद्र के बीच में तैरता है, पर किनारे में फटफटाने वाले कभी तैराक नहीं बनते। जय श्री। और बाबा से श्रद्धा और भाव से विश्वास लेके जाना, आप कहीं भी जाओ विश्वास लेके जाना, आपके साथ बाबा प्रिंसिपल रहेगा। और विश्वास भी कैसा होना चाहिए, बाबा सब भक्तों की रक्षा करते। एक प्रश्न मेरे याद आ गया, मैं कह देता हूं। इस कथा को ध्यान से सुनना, सच्ची घटना है श्याम जगत की। जो भक्त बाबा पर भरोसा रखता है, बाबा उसे क्या नहीं देते, बाबा सब कुछ देते हैं। श्रद्धा से सुनना, हुंकारी भरते हुए सुनना, सो मत जाना, 4 बजे चाय का टाइम हो गया होगा, 4 बजे नींद आती है, चाय की याद आती है। आज चाय की याद नहीं आएगी, जब कोई रस पीने की इच्छा हो ना तो आज श्याम रस पी लेना। एक श्याम में बहुत बड़ा भक्त था, एक व्यक्ति था, एक उसको कहते सेठ, पैसे वाले को क्या कहते लोग, लेकिन सेठ तो एक ही है। सांवरियो है से, सांवरियो है से तुम्हारी राधा की है, बस नहीं। शेर की किसी कभी किसी को शेर मत कहना, शेर किसको कहते हैं जो प्रतिपल चलता है। लक्ष्मी की तो 3 गति है, यार एक बात हो तो लक्ष्मी पर कभी भरोसा मत करना, लक्ष्मी की पूजा रोज करना लेकिन भरोसा मत करना। लक्ष्मी पूजा के तो काबिल है लेकिन भरोसे के काबिल नहीं। भगवान नारायण की पूजा भले ही मत करना लेकिन भरोसा रखना। लक्ष्मी छोड़ के जा सकती है और जहां नारायण होंगे ना वहां लक्ष्मी को रहना ही, जहां नारायण होंगे वहां लक्ष्मी रहेगी। इस अकेली लक्ष्मी की पूजा मत करें, साथ में नारायण की पूजा करो। कई लोग तो सोने की चांदी की थाली में रोज लक्ष्मी के पीछे लगे रहते और लक्ष्मी छोड़कर चले जाते, पक्का चले जाए। एक शाम एक शेठ था, उस शेठ के घर में सब कुछ था, उसके घर में कोई औलाद नहीं थी, कोई बच्चा नहीं था। बच्चा नहीं होने से वो शेठ दर दर की ठोकर घूमता था, फायदा नहीं हुआ। जब कोई फायदा नहीं हुआ तो उसने एक बच्चे को गोद ले लिया, एक बच्चे को गोद ले लिया। जब बच्चे को गोद ले लिया, बच्चे को बड़े प्यार से रखता था, बच्चे की हर हुक्म को मानता था। बच्चा जब बड़ा हो गया तो सेठ ने सोचा बच्चे की शादी करनी है, बच्चे की शादी करनी है, एक काम करें क्या, पंडित जी को कुंडली दिखा देनी है, और कुंडली दिखाकर बच्चे की शादी कर दे। तो ज्योतिषी के पास, पंडित के पास, विद्वानों के पास वो सेठ कुंडली लेकर पहुंचा। और जैसे ही ब्राह्मणों ने, ज्योतिषियों ने, विद्वानों ने कुंडली देखी तो उन्होंने कहा आप सेठ जी इसकी शादी मत करना, सेठ जी इसकी शादी मत करना। सेठ ने कहा क्यों, कि कुछ दिन का मेहमान है, उसके बाद संसार छोड़कर चला जाएगा। मानो सेठ की नीचे से जमीन खिसक गई, वो रोने लगा कि इतनी मुश्किल से तो मैंने इसको गोद लिया है और ये भी मुझे छोड़कर चला जाएगा, क्या मेरी किस्मत में कुछ है ही नहीं, मैं बड़ा हवा का हूं।
ज्योतिष ने कह दिया, विद्वानों ने कह दिया, हम नहीं जानते, आप एक काम करो, इसको लेकर चले जाओ। बच्चे की शादी मत करना, शादी कर दे, कुछ दिनों के बाद बच्चा संसार छोड़कर जाएगा, कुछ ही समय की उनकी उम्र बच्ची है, बच्चे की देना बचना। सेठ हताश हुआ, घर आ गया और उसने कहा कुछ भी हो जाओ, उसने बच्चे की शादी कर दी। बच्चे की शादी कर दी, पर बच्चे की शादी होने के बाद भैया कुछ समय के बाद ज्योतिष ने अपना कमाल दिखाया, लोगों ने अपना कमाल दिखाया और बच्चा बीमार हो गया। और जैसे बच्चा बीमार हुआ ना, उसको डॉक्टर के पास लेकर गए, तो डॉक्टर ने कहा जब उसके पेट को चीरा गया, पेट में दर्द हुआ, पेट को चीरा गया, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने कह दिया घर पे ले जाओ, कुछ दिन का मेहमान है, इसकी सेवा करो। एक बाप को यह कह दिया है कि कुछ दिन का मेहमान, उसको घर ले जाओ। बाप वहीं धाम से गिर पड़ा, उसने कहा मैं कैसे ले जाऊं उसको घर। किसी तरह आस पड़ोस के लोग उसको घर पे लेके आए, बच्चे को वो रोता है बाप। प्रभु अगर ज्योतिष में भी इतनी ताकत है, मैं मानता हूं ग्रहों में ताकत है, लेकिन सबसे बड़ी ऐसी को शक्ति तो होगी, इसी को सत्ता तो होगी, अगर वो बेचारा हर जगह घूमता है, जो जहां मिलता है उसके पास जाता है कि मैं कहां जाऊं क्या करूं। एक शाम का प्रेमी मिल जाता है और शाम का प्रेमी कह देता है सुनो एक काम करना, तुम खाटू जाओ। और तुम खाटू जाओ, खाटू जाने के बाद श्याम बाबा है, श्याम बाबा के गले में वस्त्र रहता है, तो 300 बागा जो बाबा का रोज चेंज होता है, लेकिन बाबा के गले में वस्त्र होता है वो 365 दिन रहता है। आपको पता है कि नहीं किसी को, जो पुराने श्याम प्रेमी उनको पता होगा, जो पुराने बाबा से जुड़े हैं, अभी जो बच्चे जुड़ रहे हैं उनको तो धीरे धीरे पता लग जाएगा। बातें मत करो ना, सुनो बाबा श्याम के गले में कपड़ा लिपटा रहता है, उसको कहते हैं बासंती, वो 365 दिन बाबा के गले में ही रहता है।